सो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और ये 2024 का फर्स्ट व्लॉग है जिसमें हम बड़ी माजरत के साथ हाजिर हो रहे हैं। समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते। बहुत देर बाद, क्योंकि कुछ रूटीन्स ऐसी थी और फिर आफ्टर डॉग शोज बिल्कुल भी टाइम नहीं हो रहा था कि व्लॉग कंटिन्यू किया जाए या पेज को आगे किया जाए। सब कुछ रुका हुआ था और फिर इसकी कुछ तबीयत भी इस तरह की हो चुकी थी जिसमें रूटीन टोटली तबाह हो चुकी हुई थी। और फिर व्लॉग्स को देखना, वीडियोस बनाना, आई डोंट नो बाकी लोग कैसे कर लेते हैं, इतना ज़्यादा काम कैसे संभाल लेते हैं, मुझसे तो बिल्कुल हैंडल नहीं हो रहा था। अरे कहना क्या चाहते हो? क्योंकि ये उस टाइम पे बहुत ज़्यादा चूजी और बहुत ही क्रैंकी टाइप हुई हुई थी और ये हर टाइम मेरे पीछे 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 फिर रही होती थी। तो उस टाइम पे तो मैं बिल्कुल भी ये काम नहीं कर सकती थी। अब ये बिल्कुल ठीक है और इसमें हमारी बहुत से लोगों ने हेल्प की है और वो सारी चीज़ें भी मैं आगे जाके बताऊंगी। फिलहाल आज सिर्फ यही है कि आज लूसी ने शावर लेना है तो मैं सोच रही थी चलो आज ही व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और अभी टाइम तो हो रहा है 3:30 दोपहर के, तो अभी इसको शावर देते हैं ताकि ये थोड़ी फ्रेश हो जाए और इसकी नींद ज़रा ख़त्म हो जाए। लूसी इधर आओ, ये लो, इधर आओ, इधर आओ ना, फौरन जल्दी आ जाओ, इधर जल्दी आ जाओ, इधर आओ। मूड इसका कोई नहीं है क्योंकि इसे पता लग चुका है कि इसने शावर लेना है। और अब इसे शावर देते हैं, उसके बाद मिलते हैं क्योंकि मज़ीद लेट होगा और फिर मौसम थोड़ा ठंडा होना शुरू हो गया है और वो अच्छा नहीं होता। तो बाकी देखते हैं आगे हम क्या क्या करते हैं। फिलहाल इस टाइम हमने शावर ले लेना, हमारा मेन मकसद यही है कि हमने इसे शावर देना है, तो लेट्स गो। और एक सबसे बड़ी बात, इस बारी लाहौर में मौसम इतना को गंदा था ना, इतना गंदा था ना कि इसको कभी भी माशाल्लाह माशाल्लाह ये 8 साल की होने लगी है और इसको कभी एलर्जी नहीं हुई थी, कभी भी एलर्जी नहीं हुई थी, लेकिन इस बारी इसको इतनी बुरी एलर्जी हुई है जिसकी वजह से इसके जगह जगह पे ये निशान है क्योंकि इसने स्क्रैच किया और फिर इसने यहाँ पे निशान डाल दिए मैं अपने। और ये अब तो बहुत बेहतर है, इसने तो यहाँ से सारे बाल भी गायब हो गए थे इसके, पर अब बहुत ज़्यादा ठीक है ये, तो इसीलिए मैंने इसे शावर देना है। इतनी ह्यूमिडिटी थी कि क्लाइमेट टोटली तबाह हुआ पड़ा था यहाँ का। इंसान क्या, जानवर क्या, सारे मुसीबत में पड़े हुए थे इस चीज़ से। तो ये देखें अभी यहाँ पे भी है, थोड़ी थोड़ी है, थोड़ी बहुत है, बाकी तो ऑलमोस्ट जा चुकी है क्योंकि अब मौसम बहुत 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 बेहतर हो चुका हुआ है। तो अभी भी शावर देना है और उसके बाद इसको जो भी इसके ऑइंटमेंट्स वगैरह है वो लगाएंगे। चलो बैठ दो फिर। बैठ जाओ ना, मैं इसका टॉवल लेके आती हूँ। ऊपर देख। और यहाँ पे ये मैडम शावर ले आई हैं, ये जगह जगह गीला करेगी और फिर हमें डांट पड़ेगी मामा से। मोटो 5 मिनट का काम होता है इसे नहलाना, लेकिन ये जो तबाही मचा रही होती है ना बाथरूम में, वो मेरे से रिकॉर्ड नहीं होती भाई, ये फिर काबू में नहीं आती। अभी भी से नींद आई हुई है, अभी भी तुम्हें नींद आई हुई है? नींद ही आई रहती है, सोती रहती हो चलाओ ये साफ करें, आओ साफ करें।
हाँ साफ करें, हाँ खुद ही कर लो, खुद ही कर लो, खुद भी कोई काम कर लिया करो, करो साफ। और मैं ड्राई करूँ, चलिए छोटो, अब ड्रामे देखने वाले होंगे इसके। भी करना है फिर ये यहाँ से भी साफ कर दो भी। चलो चलो मूव, फिर सारे कपड़े इसने गीले किए हैं, इसी ने गीले किए हैं, ये जो लड़की खड़ी है, सारे कपड़े गीले कर दिए मेरे तुमने। अब तो शावर हो गया इसका, शक्ल भी साफ लग रही है। गंदी तो ये वैसे भी नहीं होती क्योंकि ये इंडोर रहती है, और फिर आउटडोर उसने सिर्फ वॉक के लिए जाना होता है, तो ये इतनी गंदी बिल्कुल भी नहीं होती। और ऊपर से इसका वाइट पैच भी साफ साफ ही रहता है, तो उससे पता लग जाता है ये गंदी नहीं है। बस वो स्वेटिंग की वजह से थोड़ी देर अंदर रहती है तो थोड़ी स्मेल वगैरह आना शुरू हो जाती है, जिस वजह से फिर मुझे इसे शावर देना पड़ता है लाजमी। मैं परफ्यूम लगा के वो काम नहीं ख़त्म करती, पर मैं शावर दे देती हूँ इसको। यूजुअली तो ये गर्मियों में पता नहीं दिन में 3-4 बार ही नहा लेती थी, लेकिन क्योंकि जब से इसकी सर्जरी हुई है तब से इसको हमने मतलब दिन में तो नहलाना इसका बिल्कुल ही बंद हो गया था। और उस सर्जरी के बाद ही से ये एलर्जी हुई है, क्योंकि ये शावर नहीं ले रही थी और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, और उस वजह से फिर इसे ये एलर्जी भी आ गई। तो इस तरह रूटीन बहुत टफ हुई पड़ी थी हमारी। और सबसे बड़ी बात, लूसी ने बहुत वेट लूज़ की है, बहुत ज़्यादा वेट लूज़ की है, और इसकी बॉडी देख के पता लग जाएगा। क्योंकि अगर पिछले व्लॉग्स देखेंगे जिनमें इसकी जो इसके चैनल पे पुराने व्लॉग्स पड़े हुए हैं, उनमें इसने अच्छा खासा वेट गेन किया हुआ था और ये बड़ी मोटी छोटी सी थी, लेकिन अब आफ्टर सर्जरी इसने बहुत बहुत ज़्यादा लूज़ कर लिया हुआ है, और ये भी सर्जरी का आफ्टर इफेक्ट था। और बाकी सारी सर्जरी से रिलेटेड, कौन सी सर्जरी हुई थी, क्या हुआ था, किस तरह हुआ था, किधर से सर्जरी करवाई थी, ये सारी डिटेल मैं किसी एक अलग ब्लॉग में डालूंगी, क्योंकि मैंने इंस्टा पे अपडेट तो किया था सर्जरी से रिलेट, और सब ने मुझे पूछा भी था, काफ़ी लोगों के मैसेजेस आए थे कि क्या हुआ है, कौन सी सर्जरी है, क्या है, लेकिन उस टाइम पे मैं उनको भी आंसर नहीं कर सकी। बट अब मैं कोशिश करूंगी कि मैं एक पूरा ब्लॉग बनाऊँ जिसमें मैं पूरी डिटेल दूँ, और क्योंकि ये केस काफ़ी सीरियस था, अगर हमें उस टाइम पे गाइडेंस ना दी गई होती, और जिन्होंने हमें गाइडेंस दी है मैं उनको भी मेंशन करूँगी, और उनको तो आप सब जानते ही हैं, तो उनका तो तारुफ की कोई वो मोहताज ही नहीं है, तारुफ की कोई बिल्कुल भी मोहताज नहीं है। तो उन्होंने हमें इस चीज़ में बहुत हेल्प आउट किया था, और फिर सारा मतलब समझ लो बचाया ही इसको उन्होंने है, अगर हमें वो गाइड ना करते उस टाइम पे तो शायद ये आज यहाँ पे ना होती है हमारे पास। तो बाकी ये सारी सिचुएशन मैं एक ब्लॉग में प्रॉपर डिटेल के साथ मेंशन करूँगी, डॉक्टर का भी बताऊँगी जिन्होंने सर्जरी की थी, बहुत अच्छी सर्जरी की थी, और जो भी कॉम्प्लिकेशंस पहले आई थी और सर्जरी के बाद जो रूटीन थी, जैसे जैसे सारा ट्रीटमेंट चलता गया और जिस तरह ये सारा कुछ मैनेज हुआ है, वो सब एक ब्लॉग में ही ऐड किया जाएगा, क्योंकि वो बहुत डिटेल्ड ब्लॉग बन जाएगा, क्योंकि हम भी इस तरह ही थे जैसे कुछ भी नहीं पता हमें, और ये हमें बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी, लेकिन इसके साथ बहुत बड़ा इशू चल रहा था। तो बाकी सारी चीज़ें हम उसमें दिखाएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। लूसी बाय बाय कर दो, लूसी बाय बाय कर दो, बाय बाय कर दो, से बाय बाय, ओके बाय बाय।